फ्रेंड्स वेलकम है आप सबका एक नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स एक्सेप्ट जेई मेन के अलावे होते हैं उनके बारे में है। जो बच्चे भी इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड होते हैं लगभग सारे ही जेई मेन का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, जिसके थ्रू उनको IIT, NIT, IPU, IIIT और भी टॉप के कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन मिलता है। बट सारे बच्चों का एडमिशन इन्हीं कॉलेज में नहीं हो जाना है, तो एक बैकअप में जो दूसरे टॉप के इंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू टॉप के कॉलेज हैं जो IIT वगैरह से कहीं कम नहीं है, उन कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज लेकर कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लिखना है कौन नहीं लिखना है। लिखने का भी एक सीमा होता है, लाइक एक स्टूडेंट 4-5 मैक्सिमम एग्जाम लिख सकता है, डेट का भी प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ एक और बात का ध्यान रखना है कि जो एग्जाम लिखने जा रहे हैं जिसके थ्रू आपको जो कॉलेज मिलेगा, तो उस कॉलेज का फीस वगैरह आप अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का डाउट होता है कि सिलेक्शन हो जाने के बाद मैं एजुकेशन लोन के थ्रू एडमिशन ले लूंगा, तो वो सही नहीं है। क्योंकि आपको IIT के अलावा किसी भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप तभी एजुकेशन लोन ले पाएंगे जब पहले आपने एडमिशन कंप्लीट कर लिया है, मतलब फर्स्ट ईयर का फीस पे कर दिया है। और आपको पता है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनका फीस फर्स्ट ईयर में ही, मतलब पहले साल में ही आपको 2-3 लाख रुपया एडमिशन के टाइम पे पे करना होगा। एक दूसरा प्लान भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि स्कॉलरशिप से भी इन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप स्कॉलरशिप से उन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में आपको, मतलब समझ लो कि आप टॉप 100 में तो होना ही चाहिए, तभी जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको स्कॉलरशिप कुछ मिल जाएगा एडमिशन के टाइम पे ही। बाद में आपको क्या मिल रहा है वो अलग बात है, बट एडमिशन आपका कैसे होगा, आप कैसे कॉलेज में इन कर पाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट। तो एग्ज़ाम लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम आप लिखने जा रहे हैं उसमें क्या रिजर्वेशन है, उस एग्ज़ाम से किस किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ का फीस क्या होगा, वो आप अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। तो इन सारी बातों का कैलकुलेशन करके तब उसके बाद जेई मेन के अलावा जो भी आपको एग्ज़ाम्स लिखने हैं डिसाइड करके आप 3-4 एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। तो उन्हीं एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए इनमें से कौन सा एग्ज़ाम सही है, कौन सा एग्ज़ाम आपको अपीयर करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट, जो लोग भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे इस चैनल कैरियर कनेक्शंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आपके करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं बहुत सारा वीडियो लाते रहता हूं। तो इस लिस्ट में जो पहला इंट्रेंस एग्जाम्स है वो है बिटसेट। बिटसेट के थ्रू आपको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिफरेंट कैंपसेस जो पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई में है, उनमें एडमिशन मिलता है। BIT के सारे कैंपसेस टॉप के हैं और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल भी JEE मेन से नीचे है, बट और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे ऊपर है। प्लेसमेंट की बात करें तो कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है और एवरेज जो पैकेज रहा है 2018 का वो 11 लाख का रहा है, जो प्राइवेट कॉलेज में सबसे ज़्यादा है। रिसर्च में भी कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है, मगर प्रॉब्लम फीस के साथ है, कॉलेज का फीस किसी भी ब्रांच का 2 लाख से ऊपर ही है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर है VIT IIIE। VIT IIIE के थ्रू आप वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिफरेंट कैंपसेस जो वेलोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती में है, में एडमिशन मिलेगा। VIT वेलोर जो VIT का मेन कैंपस भी है, वो इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, पैकेज भी बहुत अच्छा है, रिसर्च में भी कॉलेज ने बहुत अच्छा किया है, बट यहाँ भी एक ही प्रॉब्लम है कि फीस बहुत ज़्यादा है कॉलेज का। मिनिमम फीस आपको 2 लाख से ही शुरू होता है किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच का। SRM JEE के थ्रू आपको SRM के डिफरेंट कैंपसेस जो चेन्नई, गाजियाबाद और अमरावती में है, में एडमिशन मिलेगा। चेन्नई में ही 3 कैंपस है। SRM कॉलेज का प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा है, रिसर्च में भी कॉलेज ने अच्छा किया है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी और एग्जाम से कम है, लेकिन कॉलेज का फीस बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ये आप इस बात का ध्यान रखें कि ये फीस आपके लिए ओके है या नहीं है। यहाँ एक और बात है कि जो दूसरे कैंपसेस हैं SRM कॉलेज के, उसके फीस जो है मेन कैंपस कटन कुलातूर से थोड़े कम है, बट जो SRM का नाम है, जो रैंकिंग वगैरह है, वो मेन कैंपस के लिए है। अगला एंट्रेंस एग्जाम WEJEE है। मेरे अनुसार जो भी बच्चे इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं उनको जरूर ये एग्जाम लिखना चाहिए, और स्पेशली जो लोग फीस वगैरह के लिए चिंतित हैं को तो ये एग्जाम जरूर लिखना चाहिए। इसके थ्रू आपको बंगाल के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जिसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी टॉप पर है। बंगाल के जो टॉप के कॉलेज भी हैं उनका भी फीस वगैरह बहुत ही कम होता है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी ठीक ठाक ही होता है। एक प्रॉब्लम जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ होता है, बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे रिजर्वेशन है, बट उसके अलावा भी रिजर्वेशन के अलावा भी सीट्स इतने नंबर में है कि बाहर के स्टूडेंट्स भी जो अच्छा करने जा रहे हैं उनको
एक अच्छे कॉलेज में सीट जरूर मिल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम जो WBJEE के साथ है कि इसका एग्जाम सेंटर आपको केवल बंगाल में ही होता है, तो अगर आप किसी भी इंडिया के कॉर्नर से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको आकर बंगाल में ही एग्जाम लिखना होगा, एग्जाम सेंटर बंगाल से बाहर नहीं होगा। अगला एंट्रेंस एग्जाम कॉमेट के है। कॉमेट के थ्रू आपको कर्नाटका के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिसमें RV रमैया वगैरह जो बहुत बड़े नाम है ये कॉलेज भी इसके अंदर आता है। कर्नाटका के कॉलेज का फीस एवरेज में होता है 1 लाख के करीब से शुरू होता है। कॉमेट के एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम में होता है। कॉमेट के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि एवरेज फीस में आपको अच्छे कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। अगला एंट्रेंस एग्जाम MET है, जिसके थ्रू आपको मणिपाल में एडमिशन मिल जाता है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट पैकेज, कैंपस सब कुछ बहुत अच्छा है। ये एक पुराना कॉलेज है और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम में होता है। कॉलेज का फीस बहुत ही ज्यादा है। फॉर्म फिलअप करने से पहले जिस ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हैं उसका फीस क्या है एक बार जरूर देख लें। अगला एंट्रेंस एग्जाम UPSEE है, इसके थ्रू आपको UP उत्तर प्रदेश के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। टॉप कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह अच्छा है और इसके अंदर आने वाले कॉलेज का फीस वगैरह भी कम ही होता है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम में ही है। अगला एग्जाम MHCET है, इसके थ्रू आपको महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम में ही होता है, कॉलेज का फीस वगैरह भी कम ही होता है। इन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के अलावा भी आप कुछ और एग्जाम्स को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अमृता कोयम्बतूर का जो एग्जाम होता है या फिर शास्त्रा तंजावुर। एक और एग्जाम का फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए OJEE, जिसके लिए एग्जाम नहीं देना होता, केवल रजिस्ट्रेशन आपको करना है। JEE मेन के स्कोर के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। ओडिशा के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, फीस वगैरह कम होता है। ओडिशा रहने के लिए बहुत अच्छा जगह है, आप कम खर्च में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं, प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा होता है। तो इन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में से जो भी आपके लिए सूटेबल लगता है आप उन सारे एग्जाम्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आपको टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में अच्छे से बता पाया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई आपके तरफ से सुझाव है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।